गुर्जर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 15 मार्च को फुलेरा दूज पर जयपुर में होगा। सम्मेलन के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श के लिए सामूहिक विवाह आयोजन समिति गुर्जर समाज जयपुर के कार्यालय पर एक बैठक हुई। बैठक में समिति के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 17वां सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो सर्व समाज की पूरे समाज की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल को देखते हुए 15 मार्च 2021 को सम्मेलन तय किया है। उसमें समाज के सब बंधुओं से राय की है और उन लोगों ने ये कहा है कि भाई गाइडलाइन के अनुसार सब जोड़ों की शादी किए जाए। दिनांक 17 जनवरी 2021 को जयपुर कार्यालय में एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सम्मेलन और 15 मार्च 2021 को किया जाए। इस वर्ष 21 जोड़े करने का तय किया है प्रमुखता से, जो और लास्ट तारीख इसकी हमने और वो 22 फरवरी रखी गई है रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद में कोई जोड़ा नहीं लिया जाएगा। 17वां सम्मेलन तय कर लिया गया है, उसके अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, 6 फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और मूल निवास जरूरी है। अभी हमारे पास समाज के जो जोड़े हैं लगभग 11 जोड़े हमारे पास आ चुके हैं और लगभग इसमें 21 जोड़ों का विवाह करने का निश्चय किया गया है। ये सम्मेलन दशहरा मैदान आदर्श नगर जयपुर में किया जाएगा और इसमें सभी समाज के जो भामाशाह हैं वो इसमें सहयोग देंगे। रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू करेंगे और 22 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। इस दौरान अपना जोड़ों का रजिस्ट्रेशन सभी करवा लें, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क वर एवं वधु पक्ष से 15,000 रुपये लिए जाएंगे और उसमें 500 रुपये सदस्यता शुल्क के भी लिए जाएंगे। सदस्यता शुल्क 500 रुपये नकद लिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन शुल्क 15,000 का चेक या DD द्वारा भुगतान स्वीकार किया जाएगा। नगद का भुगतान स्वीकार नहीं होगा। मैं समिति के उद्देश्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य तो हमारा ये है कि बाल विवाह को ख़त्म किया जाए। दूसरा उद्देश्य ये कि समाज में होने वाले फिजूल खर्चों को बंद किया जाए। तीसरा उद्देश्य ये कि जो भी कुरूतियाँ समाज में वो ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जो कर्ज लेके शादियाँ करते हैं उनको कर्ज नहीं लेना पड़े। कोरोना के कारण थोड़ा सा थाल कि इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन चूँकि पिछले 15-16 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है तो इस बार भी समाज के लोगों ने बैठ करके तय किया कि बीच में गैप नहीं आवे। और मैं समझता हूँ कि हमें कोरोना जो गाइडलाइन सरकार ने दी है उसके हिसाब से हम सम्मेलन करेंगे। मेरे सभी समाज बंधुओं से निवेदन है जो अपने उनके बच्चे हैं विवाह योग्य युवक युवतियों, वो उनका विवाह इस सम्मेलन में कराए और समाज को सही राह दिखाए। तो मेरे समाज के भामाशाहों से भी निवेदन है वो तन मन धन से समिति को सहयोग करें और इस पावन पुनीत कार्य को सफल बनाएं। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार हमारा समाज दशहरा मैदान में विवाह सामूहिक विवाह तरीके से संपन्न करने के लिए तत्पर है। समान रूप से समरसता के रूप में ये समिति काम करती आ रही है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा समाज से कि सभी लोग इस सम्मेलन में अपने बच्चों की शादी करें और इस सम्मेलन को सफल बनावें।